हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल क्रिएटिव फंडा में। मैं खुशबू और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी का जो मॉडल पेपर सॉल्व कराया जा रहा है फॉर CITS एंट्रेंस एग्जाम, उसी के अंतर्गत ये आज की हमारी 8वीं क्लास है। इससे पहले की 7 क्लासेस हो चुकी है जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे ऐसी ही क्लासेस पाने के लिए और CITS से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अवांछित सिलाई को हटाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। अवांछित मतलब जो सिलाई हमारी ख़राब हो चुकी है उसको हटाने के लिए, उसे उधेड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं। ऑप्शन से आपका सीम क्रीपर, सीजर, ब्लेड या फिर ननाबदीज, इनमें से कोई नहीं। तो जो सीम रिपर होता है, ठीक है, इसका यूज करते हैं हम सिलाई को उधेड़ने के लिए। जो हमारी सिलाई ख़राब हो चुकी है उसको उधेड़ने के लिए हम सीम रिपर का यूज करते हैं। अब ये सीम रिपर क्या होता है, आइए देख लेते हैं। तो ये जो फिगर दिख रहा है आपको, ये सीम रिपर कहलाता है, ठीक है। इसका इसकी मदद से हम सिलाई को उधेड़ने का काम करते हैं। सिलाई इससे ईजिली से कट जाता है और जल्दी कट जाता उधेड़ देता है ये, ठीक है। तो ये हमारा सीम रेपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित अवधि में से कौन सा सिलाई परियोजना यानी स्विंग प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक सभी अतिरिक्त वस्तुओं को संदर्भित करने के लिए उपयोग किया जाता है। सिलाई प्रोजेक्ट से, सिलाई परियोजना से संबंधित सभी जो है वस्तुओं के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है, तो नोशन वर्ड यूज किया जाता है सिलाई से संबंधित सभी परियोजनाओं के लिए, ठीक है। नोशन के अंतर्गत क्या आता है, नोशन वर्ड का मतलब क्या होता है, तो ऐसी छोटी वस्तुएं, ठीक है, ऐसी छोटी वस्तुएं जिसमें जिसको ड्रेस के साथ क्या किया जाता है, अटैच किया जाता है या फिर जोड़ा जाता है, ठीक है, अटैच्ड किया जाता है या फिर जोड़ा जाता है, जिससे कपड़े की क्या हो, सुंदरता और बढ़ जाती है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल में जैसे बटन हो गया, ठीक है, बटन हो गया आपका, कॉलर स्टे हो गया, कॉलर स्टे, और क्या, हुक हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे अटैचमेंट क्या कहलाते हैं, ये नोशन वर्ड के अंतर्गत आते हैं। अब इसके अंदर छोटे उपकरण भी आते हैं जो कि सिलाई से संबंधित होते हैं। सिलाई से संबंधित छोटे उपकरण कौन कौन से हैं, सिलाई से संबंधित छोटे उपकरण, ठीक है, उपकरण या फिर टूल। अब ये छोटे उपकरण कौन कौन से हैं, किसका यूज होता है, तो सुई का, ठीक है, सुई हो गया, सुई, नीडल, जैसे धागा हो गया, धागा को क्या कहते हैं, यार्न कहते हैं, पिन हो गया, ठीक है, पिन का यूज करते हैं, मार्किंग पेन का यूज करते हैं, मार्किंग पेन का यूज करते हैं, इलास्टिक का यूज करते हैं, ठीक है, इलास्टिक का यूज करते हैं, सीम रीपर का यूज करते हैं, सीम रीपर का यूज करते हैं जिसका फिगर अभी मैंने आपको दिखाया। तो ये सभी उपकरण किसके अंदर आते हैं, नोशन वर्ड के अंतर्गत आते हैं। और जो छोटी वस्तुएं होती हैं जिसे ड्रेस में अटैच्ड किया जाता है या सिला जाता है, तो वो उसके लिए भी हम नोशन वर्ड का यूज करते हैं। तो ये स्विंग प्रोजेक्ट के लिए ये वर्ड यूज होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी थिम्बल की उपयोगिता है। थिम्बल की उपयोगिता क्या है, थिम्बल का यूज क्यों किया जाता है और थिम्बल होता क्या है। तो ऑप्शन है आपके धागा ग्राइंडिंग, उंगलियों की रक्षा, कपड़े की रक्षा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो थिम्बल होता है वो मेटल का बना होता है जिसे आप अपनी फिंगर में पहनते हैं, और उसको पहनने से आप अगर सिलाई का काम कर रहे हैं तो वो सुई जो होती है वो आपकी उंगलियों में धसेगी नहीं, चुभेगी नहीं। तो वो किस लिए थिम्बल का यूज हो रहा है, तो उंगलियों की रक्षा के लिए यहाँ पर थिम्बल का यूज करते हैं, और ये हमें सुई चुभने से बचाती है हमारी उंगलियों को। अब ये थिम्बल दिखता कैसा है उसको हम देख लेते हैं, आपको फिगर दिखा देते हैं। तो ये जो होता है, ठीक है, ये आपको फिगर में दिख रहा होगा, ये मेटल का बना होता है, इसको ऐसे फिंगर में पहनते हैं और इसको ही क्या कहते हैं, इसको ही थिम्बल कहते हैं,
ये आपकी उंगलियों को सुई चुभने से बचाने का कार्य करता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेढ़े मेढ़े कटिंग के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? टेढ़े मेढ़े यानी जिग जैग कटिंग के लिए, ठीक है, जिग जैग कटिंग के लिए किसका यूज किया जाता है? इनमें से ऑप्शन है सीजर, पिंकिंग शीयर, क्राफ्ट रिपर्स या फिर नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो टेढ़े मेढ़ी कटिंग के लिए हम किसका यूज करते हैं? पिंकिंग शीयर का यूज करते हैं। पिंकिंग शीयर क्या होता है, कैंची होती है लेकिन ये प्लेन नहीं होती है, इसमें दांते कटे होते हैं या फिर उभरा हुआ पार्ट होता है ऐसे जिग जैग मोशन में। आइए आपको फिगर भी दिखा देते हैं पिंकिंग शीयर का। तो ये क्या है, ये आप देख रहे होंगे कि इसमें ऐसे ऐसे टूथ कटे हुए हैं, दांते कटे हुए हैं, ये जो है आपको जिग जैग कटिंग करने के लिए इसका यूज किया जाता है, जिग जैग डिज़ाइन कट करने के लिए, जिग जैग पैटर्न कट करने के लिए, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, इसको पिंकिंग शीयर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्विंग टेक्नोलॉजी सीखने से प्रशिक्षार्थी आसानी से डैश का काम कर सकता है? स्विंग टेक्नोलॉजी सीखने के बाद आप जो ट्रेनी होता है, जो प्रशिक्षार्थी होता है, वो क्या काम कर सकता है? तो स्विंग टेक्नोलॉजी सीखने के बाद ये व्यक्ति अपना बुटीक खोलने का काम कर सकता है, उसमें बुटीक खोल सकता है और सिलाई कढ़ाई का काम कर सकता है और दूसरों को ट्रेनिंग भी दे सकता है, दूसरों को सिखा भी सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कारीगर के कद के अनुसार मशीन का डैश लें, है ना, कारीगर का जो हाइट है, कद है, उसके अनुसार आप क्या लेंगे? मशीन का मतलब जो आप सिलाई मशीन रखी हुई है उसकी ऊंचाई ऐसी होनी चाहिए जो उस पर वर्क कर रहा है वो उस पर बैठकर कंफर्टेबल फील करे, है ना, कंफर्टेबल फील करे, कंफर्ट फील करे। तो क्या होगा, तो स्टूल को ऐसी हाइट पर रखेंगे कि जिस पर बैठकर व्यक्ति काम करे और उसको कंफर्ट फील हो। तो कारीगर के कद के अनुसार मशीन का स्टूल लेना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश इज जनरल टर्म्स रेफरिंग टू एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड टू द ह्यूमन बॉडी, मतलब जो डैश मानव शरीर, ठीक है, से संबंधित, क्या कह रहा है क्वेश्चन, डैश मानव शरीर से संबंधित वास्तविक वस्तु का जिक्र करने वाला एक सामान्य शब्द है। तो क्या है जो मानव शरीर से संबंधित वास्तविक वस्तु का जिक्र करता है? ऑप्शन है आपके कस्टम्स, वार्ड्रोब, वियरेबिलिटी या फिर क्लॉथिंग। तो जो क्लॉथिंग वर्ड है वो मानव शरीर से संबंधित वास्तविक वस्तु का जिक्र करता है। ये क्लॉथिंग जो होता है मानव शरीर में ही पहना जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डैश इज़ मोर देन क्लॉथिंग, क्या ज़्यादा कहीं बढ़कर है कपड़ों से बढ़कर कहीं क्या है, फैशन, एप्रल, क्लॉथिंग या फिर गारमेंट्स? तो फैशन जो है वो कपड़ों से कहीं बढ़कर है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघटकीय यार्न का अंततः उपयोग है? इनमें से कौन सा द्विघटकीय यार्न का उपयोग है? ऑप्शन से आपका कुशन, महिला अंतर्वस्त्र, शिशु पहनावा, फुटबॉल या फिर जर्सी। तो जो शिशु के कपड़े होते हैं, शिशु के क्लॉथ्स होते हैं, उनको बनाने के लिए द्विघटकीय यार्न का यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये काफ़ी सॉफ्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक वाणिज्यिक बिल या क्या कहता है जब उसका एक विदेशी व्यापार में उपयोग किया जाता है? तो वाणिज्यिक बिल क्या कहलाता है, कस्टम दस्तावेज कहलाता है जब उसका विदेशी व्यापार में उपयोग किया जाने लगता है। और ये कस्टम डॉक्यूमेंट्स यानी कस्टम दस्तावेज या फिर कस्टम डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, ये किसी भी तरह का आयात या निर्यात, ठीक है, आयात या फिर निर्यात या फिर सामान का मूल्यांकन,
ठीक है, या फिर सामान का मूल्यांकन, या फिर शुल्क निर्धारण यानी फीस का निर्धारण, कितने का आपका सामान है, इन सभी चीज़ों का निर्धारण विदेशी सीमा शुल्क एजेंसी द्वारा उपयोग किया जाता है। और इसी के लिए इसको क्या कहते हैं, कस्टम डॉक्यूमेंट कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विक्रय के लिए एक और शब्द कौन सा है? विक्रय के लिए यानी जो आप सेल कर रहे हैं उसके लिए एक और आप शब्द कौन से शब्द का यूज करते हैं? ऑप्शन है आपके फुटकर विक्रेता, विक्रेता प्रदायक या फिर क्रेता। तो जो प्रदायक वर्ड है उसका यूज जो है विक्रयी शब्द के स्थान पर भी कर सकते हैं। और प्रदायक का मतलब क्या होता है, सेलर, ठीक है, सॉरी सप्लायर। प्रदायक का मतलब क्या होता है, सप्लायर। यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रेंच शब्द अवांट गार्ड का क्या मतलब है? जो आपका फ्रेंच वर्ड है अवांट गार्ड, उसका मतलब क्या होता है? तो उसका मतलब होता है फैशन शीर्ष यानी फैशन टॉप। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मशीनें सुई के दोनों ओर टॉप स्टिचिंग और लैप्ड सीमिंग के लिए कपड़े में जोड़ लोड की अनुमति देती हैं। ऑप्शन है स्थापित, सिलेंडर बेड, पोस्ट ब्लेड बेड या फिर फ्लैट बेड। मशीनें सुई के दोनों ओर टॉप स्टिचिंग लैप्ड सीमिंग के लिए कपड़े में जोड़ लोड की अनुमति देती हैं, ये क्या है आपका, फ्लैट बेड। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़े को काटने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? कपड़ों को काटने के लिए आप किसका यूज करते हैं? ऑप्शन है पेंसिल का यूज़, सिलाई कैंची का यूज़, सुई का यूज या फिर उंगली का यूज। तो ऑब्वियसली आप सभी को पता होगा सिलाई कैंची का यूज करते हैं, ठीक है, कहाँ से ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्मी और दबाव से कपड़े की परतों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गर्मी मतलब टेम्परेचर से या हीट से, ठीक है, हीट और प्रेशर, हीट एंड प्रेशर, दबाव, ठीक है, प्रेशर। दबाव से कपड़े की परतों को जोड़ा जा रहा है, दो तीन या फिर कई परतों को जोड़ा जा रहा है, तो उसके लिए क्या, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को ऑप्शन से आपके बंधन, फ्यूजिंग, सिलाई या फिर जोड़ना। तो फ्यूजिंग कहते हैं जब आप किसी दो या तीन चीज़ को या फिर दो से अधिक परतों को, लेयर को हीट और प्रेशर के माध्यम से जोड़ रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे, उस प्रोसेस को फ्यूजिंग कहेंगे। ये सिर्फ कपड़ों के लिए ही नहीं है, अगर आप मेटल्स में भी दो से अधिक मेटल्स की लेयर्स को जोड़ रहे हैं हीट और प्रेशर के माध्यम से, तो उसके लिए भी हम फ्यूजिंग वर्ड का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन सिलाई जो प्रोजेक्ट्स पर एक डेकोरेटिव एलिमेंट बनाती है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। यदि सिलाई मशीन जो प्रोजेक्ट के ऊपर एक डेकोरेटिव एलिमेंट बना रही है तो उसे क्या कहेंगे, डेकोरेटिव सीम कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डेकोरेटिव सीम या फिर सजावटी सीम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। परिधान निर्माण में परिपूर्णता नियंत्रण के लिए नाइफ और बॉक्स डैश के उदाहरण हैं। ऑप्शन से आपके डार्ट, टक्स, प्लीट्स या फिर प्रिंसेस सीम। तो परिधान निर्माण में पूर्णता नियंत्रण के लिए नाइफ और बॉक्स डैश के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं, प्लीट्स के उदाहरण हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रेस पैंट में आमतौर पर एक डैश होता है, क्या होता है ड्रेस पैंट में? ऑप्शन है वीप स्टिच हेम, टॉप स्टिच हेम, मशीन बाइंड हेम या फिर रोल्ड हेम। तो ड्रेस पैंट पर आमतौर पर मशीन बाइंड हेम होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक फुट में कितने इंच होते हैं, ठीक है, एक फुट बराबर कितने इंच होते हैं? तो एक फुट बराबर आपका होता है 12 इंच।
अब यहीं अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि एक इंच बराबर कितने सेंटीमीटर, बताइए एक इंच बराबर कितने सेंटीमीटर होता है, तो एक इंच बराबर अगर सेंटीमीटर पूछे तो कितना होता है, 2.54 सेंटीमीटर होता है एक इंच बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर एक फुट पूछा है तो एक फुट में कितने इंच होते हैं, 12 इंच होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक शर्ट को कई मुड़ी व सिली हुई लंबवत रेखाओं के साथ आगे से नीचे की ओर डिज़ाइन किया जाता है, कौन सा आकार देने वाला उपकरण यहाँ पर उपयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पर टक्स का यूज करते हैं, ठीक है, प्लेट्स बनाने के लिए शर्ट पर, जो आप देखे होंगे कि प्लेट्स बनी होती हैं उठी हुई उभरी हुई, तो उसको क्या कहते, उसको किसके मदद से बनाते हैं, टक्स की मदद से बनाते हैं। टक्स एक हमारा औजार है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लॉक स्टिच मशीन में निचले धागे की आपूर्ति बनाए रखने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। लॉक स्टिच मशीनों में देखा होगा आपने कि धागे को जो है धागे की आपूर्ति बनाने के लिए अलग से जो है नीचे कुछ लगाया जाता है, तो उसी को क्वेश्चन वो पूछ रहा है कि उसको क्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन से आपके फीडर, लूपर, बॉबिन या फिर थ्रेडर। तो बॉबिन का यूज करते हैं हम निचले जो है मशीन में निचले धागों की आपूर्ति बनाए रखने के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा भाग मशीन के पार कपड़े को खिसकाता है। ठीक है, आपने सिलाई करते टाइम देखा होगा कि कपड़ा अपने आप जो है मशीन के दूसरी ओर खिसकता चला जाता है, स्लाइड करते हुए चला जाता है और हमारी सिलाई कंटिन्यूसली होती रहती है, तो उस जो है उस भाग को क्या कहते हैं। ऑप्शन है थ्रेड गाइड, प्रेशर फुट, रिवर्स या फिर फीड डॉग। तो जो कपड़े को दूसरी तरफ खिसकाने का कार्य करता है उस भाग को क्या कहते हैं, फीड डॉग कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गुणवत्ता मानकों को पूरा करने में सक्षम एक प्रक्रिया को डिज़ाइन करना कहा जाता है। गुणवत्ता मानकों यानी जो आपकी क्वालिटी प्लान है, ठीक है, क्वालिटी स्टैंडर्ड है, उसको पूरा करने में सक्षम एक प्रक्रिया को डिज़ाइन करने को क्या कहते हैं। यहाँ पर इस प्रक्रिया को डिज़ाइन करने को आप कहते हैं गुणवत्ता की योजना यानी क्वालिटी प्लान कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वालिटी प्लान। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डिज़ाइन का हिस्सा कौन सा है। डिज़ाइन का हिस्सा इनमें से कौन सा है, स्टोरी बोर्ड, होम पेज, फाइल फॉर्मेट या फिर साउंड या वीडियो। तो डिज़ाइन का हिस्सा क्या है, स्टोरी बोर्ड है। स्टोरी बोर्ड क्या होता है, जो फैशन डिज़ाइनर्स होते हैं वो अपनी एक स्केच कॉपी रखते हैं जिसको स्टोरी बोर्ड कहते हैं, उसमें वो अपना फिगर्स बनाते हैं, ठीक है, मॉडल्स की पिक्चर्स बनाते हैं और फिर उस पर ड्रेस डिज़ाइन करने का कार्य करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, स्टोरी बोर्ड के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। डिजिटल पोर्टफोलियो सामग्री इसका निर्माण करते हुए आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, डिजिटल पोर्टफोलियो सामग्री इसका निर्माण करते हुए क्या ध्यान में रखना चाहिए, तो स्नैप शॉट ऑफ द एक्सपीरियंस, अनुभवों का स्नैप शॉट। ठीक है, स्नैप शॉट ऑफ द एक्सपीरियंस। ठीक है, अनुभवों का स्नैपशॉट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई क्लास के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।